हेलो फ्रेंड्स, क्या आप LIC एजेंट हैं? क्या आप LIC के साथ एजेंसी आपने ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस की? और क्या आपकी एजेंसी अभी एक्टिव है? तो गाइज़, आपके पास बहुत ही अच्छा स्कोप है 3 लाख रुपया लेने का। यानी LIC जो है अपने हर एक एजेंट को जो कि एक्टिव है 3 लाख रुपये देने वाली है, 3 लाख रुपये देगी। अब कौन कौन से एजेंट इसके लिए एलिजिबल हैं और किस किस को ये मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या जो नियम है और शर्तें हैं जिसके बेसिस पे ये आप सभी को मिल सकता है। सो वो भी डिटेल आपको पूरी दी जाएगी। गाइस, फ्री का पैसा है, आपको कुछ इन्वेस्ट इसमें नहीं करना। LIC फ्री का पैसा आपको दे रही है, तो आप पूरी डिटेल्स देखें इस वीडियो में, बिकॉज आपको कुछ क्राइटेरिया, कुछ शर्तें होती है जो कि कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आप वो मिस कर देंगे वीडियो में किसी पार्ट में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो गाइज, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं LIC ऑफ इंडिया में एडवाइज़र हूँ। आप सभी के लिए मैं LIC से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर कर सकूँ। और साथ ही साथ जो प्लान कॉम्बिनेशंस हैं LIC के, वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान सेल कर सकें। सो गाइस, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वीडियोस भी देखें, आपके लिए आई होप कि काफ़ी यूज़फुल होगी। और इस वीडियो को आप सभी ग्रुप्स में, यानी जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर ने आपके ग्रुप्स बना रखे होंगे या LIC एजेंट के जो भी ग्रुप हैं, वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये डिटेल्स पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, हर एक LIC एजेंट को 3 लाख रुपये कैसे मिलेगा, अब इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और कैसे ये फ्री है, क्या क्या नियम शर्तें हैं, ये इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताने जा रहा हूँ। सो LIC ऑफ इंडिया अभी सभी एजेंट्स को, जो उनके साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं। हम सबको पता है कि LIC जो है बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि अच्छा कमीशन देती है, यानी कि 35% 30% तक तो कमीशन ही मिलता है। साथ ही साथ इसमें बोनसेस होते हैं जो कि LIC प्रोवाइड करती है बोनस। साथ ही साथ जो ब्रांच लेवल पे वीकली और मंथली जो कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, वो मैंने देखा है LIC के एंड से बहुत ही ज़्यादा होती हैं। यानी हर 2-3 दिनों में देखता हूँ कि कुछ ना कुछ वीकली या फिर मंथली कॉम्पिटिशन्स चलते ही रहते हैं। तो LIC अपने एजेंट्स को, LIC एजेंट्स का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा करके रखती है, जिससे कि वो मोटिवेट होते रहे और LIC से जुड़े रहें। इसके अलावा जो बोनस, जो मैंने बताया आपको बोनस, कमीशन, इनके अलावा एक क्लब मेंबरशिप भी LIC के पास ऑप्शन होता है। आप सभी जानते होंगे जो ZM, DM ये क्लब्स होते हैं क्लब मेंबरशिप में, तो उन क्लब मेंबरशिप में भी आप पार्टिसिपेट करके, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं या फिर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं कि ZM, DM ये क्लब क्या होते हैं। तो इन क्लब्स में अगर आप मेंबर होते हैं तो आपको बहुत सारी और सुविधाएं मिलती है, जैसे कि आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं और उसके लिए LIC आपको पैसे देगी। साथ ही साथ आप फ्री, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिल जाएगा LIC से, कार के लिए या फिर बाइक के लिए। सो ये सारी बेनिफिट LIC जो है अपने एजेंट को देती है, बेसिस कि वो कितनी पॉलिसी दे रहे हैं, क्या उनका बिजनेस चल रहा है, तो ये सारी ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है। अब LIC अपने सभी एजेंट्स को 3 लाख रुपये भी देती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये उनके रूल्स में ही है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, तो अगेन बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखें कि कौन कौन से एजेंट इस 3 लाख रुपये के प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रूल्स रेगुलेशन क्या एलिजिबिलिटी है, किन किन को ये मिल सकता है। सो गाइज, एलिजिबिलिटी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सो जो पहला कंडीशन है वो ये है कि एक एजेंट एलिजिबल होगा ग्रेजुइटी के लिए। सो गाइज, जो 3 लाख रुपया है वो यहाँ पे ग्रेजुइटी उसका टर्म है। बहुत सारे लोगों को ग्रेजुइटी टर्म नहीं पता होता, ग्रेजुइटी क्या होता है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे बोला कि 3 लाख रुपये मिलेंगे, बिकॉज एक्चुअली जो है ग्रेजुइटी का अमाउंट है वो अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का इसमें है। सो एक एजेंट जो है वो ग्रेजुइटी के लिए, यानी 3 लाख रुपये के लिए एलिजिबल है, अगर उसने कंटिन्यूसली जो है 15 साल या उससे ज़्यादा काम किया हो। क्वालिफाइंग ईयर्स, क्वालिफाइंग ईयर्स मीन्स उसने जो साल का टारगेट होता है वो कंप्लीट कर ली हो। अब अगर किसी ने एग्जेम्पशंस ले रखा है साल के टारगेट में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे। सो ये क्वालिफाइंग ईयर्स का है कि अगर
आपका 15 और 15 से ज़्यादा क्वालिफाइंग ईयर्स आपने कंप्लीट कर ली हो, ये हो गया पहला कंडीशन। और इसी के अंदर आता है कि 15 या 15 साल तो पूरे हो चुके हैं, साथ ही साथ जो LIC एजेंट है उनकी एज 60 या 60 से ऊपर होनी चाहिए, तब वो ग्रेजुएटी के लिए अप्लाई कर सकता है। 3 लाख तक की ग्रेजुएटी मिल सकती है बेसिस ऑन कैलकुलेशन। एक तो ये कंडीशन हो गया कि या तो 15 साल उसके, या तो क्या मतलब 15 साल उसके कंप्लीट हो गए हो क्वालिफाइंग ईयर्स और उसकी एज 60 या 60 से ऊपर हो, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि 15 साल पूरे कर लिए हो क्वालिफाइंग ईयर्स और अगर वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, ये अगर प्रूव हो जाता है कि दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है तो फिर यहाँ पे एज से कोई मतलब नहीं होता कि एज 60 है या उससे ऊपर है या कम है। बस यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाती है कि 15 साल उसके कंप्लीट होने चाहिए क्वालिफाइंग ईयर्स और कोर्ट के द्वारा ये जस्टिफाई प्रूव हो चुका हो कि वो मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है एजेंट की, तो उस केस में वो जो है अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएटी के लिए और उसको 3 लाख रुपये तक का रकम LIC से मिल सकता है। दूसरा ये है कि अगर उसका जो LIC एजेंसी है वो कंफर्म है यानी एक्टिव है और उसकी डेथ हो जाती है, अगर एजेंट की अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी एजेंसी एक्टिव होने पे, उस केस में भी उसको ग्रेजुएटी अमाउंट जो कि अप टू 3 लाख रुपीज़ तक का है वो मिल जाता है, या फिर उसका जो LIC की एजेंसी है अगर 15 साल पूरे नहीं हुई लेकिन टर्मिनेट हो जाती है उस बेसिस पे कि वो फिज़िकली या मेंटली कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल है अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, उस केस में भी उसको ग्रेजुएटी मिल जाती है। सो गाइस, ये सिंपल सा कंडीशन है कि 15 क्वालिफाइंग ईयर्स होना चाहिए, 15 क्वालिफाइंग ईयर्स के साथ साथ 60 या उससे ऊपर की एज हो तो वो क्लेम कर सकता है। दूसरा मैंने बताया कि अगर 60 या ऊपर की एज ना ही नहीं है लेकिन अगर अनसाउंड माइंड यानी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये कोर्ट से प्रूव हो गया है, उस केस में भी मिल सकता है। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उससे फिर एज वाली कंडीशन नहीं रहती है। या फिर मैंने बताया कि अगर एजेंसी एक्टिव है उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में भी ग्रेजुएटी अमाउंट मिल जाता है उसकी फैमिली को, नॉमिनी को। और या फिर अगर उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई हो बिकॉज ऑफ उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो इन केसेस में उसको ग्रेजुएटी मिल जाती है। अब दूसरा ये है कि एक एजेंट जो है वो चाहे तो अपना जो कैलकुलेशन जो होता है 60 साल का जो मैंने बताया कंडीशन होता है तो 60 की जगह वो 65 साल करवा सकता है। फ़ायदा इससे क्या होगा कि जो उसकी ग्रेजुएटी है और बढ़ जाएगी, तो इसमें कंडीशन ये आता है 60 से 65 करवा सकता है यानी कि 65 साल बाद वो ग्रेजुएटी क्लेम करना चाहता है अगर तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो 59 साल के एज से होने से पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे डिफरेंस क्या होगा गाइस, नॉर्मल कंडीशन में तो 60 के बाद वो ग्रेजुएटी अप्लाई कर सकता है अगर 15 क्वालिफाइंग ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो 60 की बजाय वो 65 के बाद क्लेम कर सकता है ग्रेजुएटी, उसमें उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट 5 साल का कैलकुलेट होकर और ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अप्लाई करना होगा 59 ईयर कंप्लीट होने से पहले। तो ये एक कंडीशन है गाइस। अब जो है यहाँ पे ग्रेजुएटी जो है वो एप्लीकेबल होता है ईच क्वालिफाइंग ईयर, जो 15 क्वालिफाइंग ईयर्स हैं उसको देखते हुए ये कंसीडर होता है ग्रेजुएटी का अमाउंट, जिसमें कि देखा जाता है 10 क्वालिफाइंग ईयर्स का एवरेज। सो 15 क्वालिफाइंग ईयर्स ही आप कंसीडर करके चलिए, ये मान के चलिए कि 15 आपको 15 साल क्वालिफाइंग रखना ही है, और अगर आप कर लेते हैं और बाकी के कंडीशंस मैट कर लेते हैं तो अप टू 3 लाख रुपीज़ तक आपको जो है इसमें ग्रेजुएटी मिल सकता है जो कंडीशंस बताए उसके बेसिस पे। ग्रेजुएटी जो है वो पेबल होता है या तो एजेंट को या फिर उसके नॉमिनी को या फिर जो भी उसके लीगल हायर्स होते हैं। नो ग्रेजुएटी इज़ पेबल टू एन एम्प्लॉई, अगर कोई कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई है और वो एजेंट बन के काम कर रहा है तो उसको ग्रेजुएटी नहीं मिल सकती। सो ये सिर्फ उन एजेंट्स के लिए है जो कि कॉरपोरेशन से डायरेक्टली जुड़े नहीं हैं, क्योंकि होता क्या है कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो LIC में सरकारी नौकरी होती है और वो अगर साइड बाई साइड एजेंट बन के कहीं से काम कर रहे हैं तो उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। अब इसमें यह है कि ग्रेजुएटी एक बार अगर पे हो चुका है तो वो दोबारा पे नहीं होता, यानी ग्रेजुएटी पूरी लाइफ में एक ही बार मिलती है, ये एक होगी कंडीशन। साथ ही साथ
कुछ कंडीशंस रहते हैं जिस केसेस में ग्रेजुटी जो है वो पेएबल नहीं होती, इवन आपने कंडीशंस मेट कर ली हैं तब भी। वो क्या कंडीशन है? वो ये है कि अगर आप कोई क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच में पाए गए, यानी कोई भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हो और ऐसे केसेस में आपका जो है ग्रेजुटी को हटा दिया जाता है, ग्रेजुटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, या फिर कोई अगर केस चल रहा है फ्रॉड का या डिसऑनेस्टी का या मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉरपोरेशन से लेके, तो वहाँ पे भी कॉरपोरेशन जो है आपका ग्रेजुटी हटा देती है, यानी ग्रेजुटी आपको नहीं देती है। तीसरा जो है इसमें, अगर आप जो है किसी भी कॉरपोरेशन के कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो नियम और कानून जो बने हुए हैं, रेगुलेशंस जो 8 है और रेगुलेशंस 14 और जो डिसीजंस हैं अथॉरिटी, मतलब जो डायरेक्शंस हैं अथॉरिटी के राइसी के, वो अगर आप इनके फॉलो नहीं करते हो तो उन केसेस में भी जो आपका ग्रेजुटी है वो हट जाता है, यानी ग्रेजुटी आप नहीं मिल पाता। कोई और अगर जो है पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर अगर कोई कंप्लेन करता है, उसके साथ आपने कोई धोखाधड़ी की है और उसकी कंप्लेन पे आपको प्रूव हो जाता है कि आपने धोखाधड़ी की है, उन केसेस में भी आपको नहीं मिलता ग्रेजुटी। साथ ही साथ कहीं पे भी अगर पता चलता है कि हाँ आपने रिबेट दिया है कमीशन जो आपको मिलता है उससे, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो हम रिबेट देते हैं, तो सावधान हो जाए अगर आप रिबेट देते हैं तो। अगर आप रिबेट देते हैं कहीं पे और वो प्रूफ हो गया कहीं पे, तो आपका ग्रेजुटी ख़त्म हो जाएगा, ग्रेजुटी तब भी नहीं मिलेगा। या फिर किसी और तरीके की चीज़ों में अगर आपका नाम आता है फ्रॉड में, जो कि डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर से हो या फिर कॉरपोरेशन से हो, तो ऐसे किसी भी केसेस में अगर प्रूव हो जाता है कि आपकी गलती है, तो ग्रेजुटी वहाँ पे भी आपकी कैंसिल हो जाती है। सो गाइज, ये था पूरा जो वीडियो कि कैसे 3 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे, कैसे ग्रेजुटी के लिए आप एलिजिबल होंगे, अब किन किन केसेस में आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। तो आप अच्छे से काम करें जिससे कि आप लंबे समय तक LIC से जुड़े रहें, LIC की सारी बेनिफिट्स के साथ, जो कमीशन, बोनस, क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स, इन सब के साथ साथ आपको ये ग्रेजुटी भी उठानी है और सभी मिलकर इसे उठाएं अगर LIC दे रही है तो। LIC अगर आपको ये दे रही है पैसा, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप अपने DO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर से, वो इसकी पूरी जानकारी आपको क्लैरिटी से दे सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।